हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास साइंस फर्स्ट चैप्टर इज फूड फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन तो ये चैप्टर जो है ये ऑल अबाउट फूड के बारे में है फूड के कंपोनेंट्स के बारे में है फ़ूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल हैं क्यों बेनिफिशियल हैं और उनसे बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिश न्यूट्रेशन्स मिलते हैं और वो न्यूट्रिशंस बॉडी के लिए क्या क्या वर्क करते हैं और बैलेंस डाइट क्या होती है अगर बैलेंस डाइट नहीं ली जाए तो किस तरीके से बॉडी को नुकसान होता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फ़ेस करनी पड़ती हैं बहुत सारे तरीके की डिजीज भी हो सकती हैं सो फर्स्ट टॉपिक इज फूड वेन वी गेट हंग्री वी टेक फूड आइटम्स फ्राम प्लाट्स एंड एनिमल्स एज फूड आवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्राम फूड विच इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी दिस फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी डैट मीन्स ये पैराग्राफ आपको क्या बताता है कि जब भी हमें भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं और जो भोजन है वो हमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है लाइक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो तरीके के लोग होते हैं और हम लोग प्लांट्स से भी फूड आइटम को गेन कर सकते हैं और एनिमल्स से भी बहुत सारे तरीके से फूड आइटम को गेन कर सकते हैं। अवर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड विच इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी हमारी बॉडी को फूड से एनर्जी मिलती है जिससे हमारी वर्क करने की पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है दिस फूड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी और यही फूड जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है अभी देखो इसमें बहुत सारे तरीके के आपको फूड आइटम शो किए गए हैं लाइक्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स सेरल्स कस्टर्ड कैरेट बीन्स फूड इज बेनिफिशियल टू अस इन वोट वे आगे जितने भी पॉइंट्स है इनमें हमें ये पता चलेगा कि फूड जो है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है फर्स्ट पॉइंट फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क फूड के थ्रू हमें वर्क करने की एनर्जी मिलती है सेकेंड पॉइंट फूड हेल्प इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ बॉडी फूड के फूड की हेल्प से हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है उसकी ग्रोथ होती है और बॉडी जो है वो बिल्ड होती है जैसे एक स्टार्ट में एक छोटा बेबी होता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है वो बिल्ड होती जाती है उसके मसल्स जो हैं वो बनते जाते हैं उसकी बोन्स आगे डेवलप होती जाती है स्ट्रोंग होती हैं वो सब जो है वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से होता है जो कि फ़ूड के थ्रू हमें मिलते हैं थर्ड पॉइंट इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज इस पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फूड डिजीज से कोई भी तरीके की डिजीज होती है तो उससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट करता है इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का फाइटर है और वो जो है वो किस तरीके से हेल्दी रहेगा जब बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमें फूड के थ्रू मिलते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमें बहुत सारे तरीके के डिजीज से बचा सकता है नेक्स्ट पॉइंट न्यूट्रिशंस फूड डेवलप फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट शार्प अलोंग विद हेल्दी बॉडी न्यूट्रिशंस जो है वो सिर्फ फिजिकल फिजिकल ग्रोथ ही नहीं करते हैं मेंटल डेवलपमेंट भी करते हैं यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बॉडी वीक बॉडी के अंदर एक अच्छा माइंड जो है वो डेवलप हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी नेक्स्ट पॉइंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है नेक्स्ट पॉइंट हेल्पफुल इन बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्पफुल है तो ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड द इन्ग्रीडियंट ऑफ फूड विच इज बेनिफिशियल फॉर अवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोल्ड कंपोनेंट ऑफ फूड वो सारे इंग्रेडिएंट्स फूड के जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है वो सब कॉम्पोनेंट ऑफ फूड है वॉट आर दोज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड लेटेस्ट फाइंड आउट अब आगे आपको सारे कॉम्पोनेंट्स दिए हुए हैं जो कि हमारी बॉडी हमारे फूड का पार्ट होते हैं फर्स्ट कॉम्पो कार्बोहाइड्रेट्स सेकेंड कंपोनेंट है प्रोटीन थर्ड है फैट फोर्थ है फोर्थ है विटामिन फिफ्थ है मिनरल्स सिक्स्थ वोटर सेवंथ रफेज अभी इन सभी जो कंपोनेंट है फूड के उन सब का सेम वर्क नहीं होता ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं हमारी बॉडी के लिए तो उन फंक्शन के हेल्प से हम इन कंपोनेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग तरीके से अगर कुछ कंपोनेंट्स का ये वर्क है कुछ कंपोनेंट्स का ये वर्क है और कुछ कंपोनेंट्स का ये वर्क है वर्किंग work के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका फर्स्ट टाइप जो है फूड कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो पार्ट जो कि बॉडी को एनर्जी और ग्रोथ प्रोवाइड करता है उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें है कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन नेक्स्ट टाइप है फूड कंपोनेंट्स विच बिल्ड अवर बॉडी जो कि हमारी बॉडी के बिल्डिंग के लिए नेसेसरी है उनमें इंक्लूड है प्रोटीन मिनरल्स वाटर नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स की लिस्ट है उसके अंदर फूड कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड प्रोटीन प्रोटेक्शन तो प्रोटेक्शन यानी कि इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं विटामिन मिनरल प्रोटीन एंड वाटर सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये वर्किंग के अकॉर्डिंग है इनका उसके बाद इन सभी टाइप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट क्लास थैंक यू